काटाफोर नगर के समीप स्थित ग्राम नयापुरा में शिव पथ सत्संग और कलश स्थापना का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे द्वारा कलश स्थापना के लिए ग्राम बोरी बुरहानपुर जिले से कलश लाकर ग्राम नयापुरा में स्थापना की गई और एक वर्ष शिवलिंग और कलश की पूजा अर्चना की जाएगी। एक वर्ष पश्चात यहां पर मेले का आयोजन कर इसे दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्राम में भक्ति का माहौल सुख शांति बनी रहेगी और साथ ही हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और जो लोग अन्य धर्म को अपना रहे हैं वह वापस हिंदू धर्म की ओर वापसी करेंगे। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, अपन ने आज यहाँ कहा किस चीज की स्थापना करी? महाराज कर दीजिए अखंड पिन की। अखंड पिन। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट रहेगा? ये मतलब सरस्वती पिन है जी। अच्छा, शरद पूर्णिमा का दिन मतलब आज ही का दिन कार्यक्रम होगा जो साल भर बाद। तो साल भर बाद क्या आयोजन रहेगा यहाँ पे? यहाँ कार्यक्रम रहेगा, लंबो चौड़ो मेला वगैरह मेला ही रहेगा। तो ये अभी अपन कहाँ से लेके आए? ये धूलकोट से। धूलकोट बोरी नेपानगर बुरहानपुर जिले। अच्छा, वहाँ से लाके यहाँ स्थापना करी। अब इसकी सुबह शाम पूजा पाठ होगी शरद पूर्णिमा। और ये शिवपंथी का क्या है, मतलब इसका रहस्य क्या है, कहाँ से स्थापना हुई, कहाँ से चालू हुआ? ये हो मतलब आर्ता से। अच्छा, तो इस महाराष्ट्र से। तो इसका मतलब क्या, नशा मुक्ति का सुना है कि नशा मुक्ति का है ऐसा कुछ? ये तो ऐसे है मतलब गुरु लाइन में है, शिव पंथ में जुड़ रही है, धर्म से जोड़ने के लिए, हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, इससे अपने को ये बेनिफिट रहेगा कि लोग मिशनरी ईसा मसीह अपना रहे, उससे भी मतलब दारू छोड़ने से दारू छोड़ने के लिए नहीं बने है जे, मतलब गुरु लाइन में जुड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, इससे मतलब अपन मिशनरी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देवी देवता को गुरु लगे तो अपन को भी गुरु लगना, दारू तो ऐसा भी छोड़ देना। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।